नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे साइन बाइक, ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर बाइक का सेल्फ रिले वायरिंग की पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। क्योंकि और बाइक में सेल्फ रिले में 4 वायर होते हैं, इसमें 6 वायर होते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता। तो इसलिए मेरे दोस्त हम इसको बताएंगे। और देखिए, हमने ये साइन बाइक थोड़ा सा खोल लिया है, बताते हैं आपको। देखिए इसमें क्या होता है, जो 6 वायर होते हैं, तो ये जो वायर होते हैं लाल सफ़ेद, तो ये RR यूनिट से वोल्टेज रेगुलेटर से इधर आता है, और ये इसके द्वारा जो फ्यूज लगा होता है वो यानी फ्यूज शॉर्ट करता है, तब ये करंट यानी यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जैसे आप हॉर्न बोलता है। देखिए अगर हम इसको, अगर मेरे दोस्त हम इसका फ्यूज हटा दें, ठीक, अभी हॉर्न बोल रहा है, अब देखिए अब नहीं बोलेगा, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए कि फ्यूज वाले ये वायर जो 2 वायर होते हैं, ये आपका यानी रेगुलेटर को और बैटरी को आपस में जोड़ते हैं, ठीक। अब इसका बचा आपका 4 वायर, ठीक है मेरे दोस्त। 4 वायर में क्या होता है, ये जो होते हैं बैटरी से आता है, एक सेल्फ के लिए जाता है, एक बैटरी से आता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अगर आपको सेल्फ चेक करना है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से चेक कर लेना कि हमारा सेल्फ कैसा है, ठीक। अब आप समझ गए कि सेल्फ सही है, ठीक। जब सेल्फ सही है तो आप इसको, आपको जब चेक करना है तो इसमें देखिए, चाहे बैकलाइट बल्ब, चाहे हेडलाइट, चाहे कोई भी इंडिकेटर लाइट हो या हॉर्न हो, जो भी ज़्यादातर चलते हैं, फ्यूल मीटर, और हम आपको फ्यूल मीटर और आपका RPM मीटर, सिर्फ ये 2 मीटर होते हैं, और भी होते होंगे, और ये क्या होता है 3 वायर से चलते हैं। बाकी क्या होता है मेरे दोस्त, जो भी फंक्शन होता है, चाहे इंडिकेटर का, चाहे बैकलाइट का, चाहे ब्रेकलाइट का, ये माइनस और प्लस इसके द्वारा चलता है, ठीक। अब इसमें क्या है मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, जो इधर वाला ग्रीन वायर है, ये होता है इसका अर्थिंग का, और जो पीला और लाल है, ये इसका मेन होता है फेस का, ठीक। अब हमें अगर यहाँ से, वहाँ से अगर हमारी बाइक नहीं स्टार्ट हो रही, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरी बाइक में, यानी जैसे ये वाला वायर में, हरे वायर में इधर ग्रीन वायर है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको एक वायर इसके अंदर डाल करके इस तरीके से अर्थ देते हैं यहाँ पर, और उसी तरीके से एक वायर यहाँ पर हम लगा करके इसको हम फेंस देंगे, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, देख आप देखिए, थोड़ा भैया इधर से दिखाइए, एक वायर हमने क्या किया, एक वायर हमने यहाँ पर अर्थिंग दिया है, एक वायर हमने, ठीक, आप देख लीजिए चल रहा ना, ठीक मेरे दोस्त। अब आप इस बात को सिंपल सी समझ लें, देखिए उसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी आप जब क्लच दबाते हैं तो आपका न्यूट्रल लाइट जलने लगता है, जब भी समस्या हो तो ये रेक्टिफायर होता है, और यानी ये आपस में न्यूट्रल लाइट में जो वायर होता है, उस वायर से क्या होता है कि इसमें जो रेक्टिफायर वो काम करता है, क्या है कि एक तरफ करंट जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। देखिए इसमें बना हुआ है मेरे दोस्त, एक तरफ जाएगा है लेकिन वापस नहीं आएगा, तो इसलिए ये काम करता है, लेकिन ये अर्थिंग का काम करता है, ठीक मेरे दोस्त। तो इसको आप जब भी इस तरीके समस्या होती है, जब आप क्लच दबाते हैं न्यूट्रल लाइट जलती, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कभी कभी क्या है, जैसे आपका सेल्फ, आपका वहाँ से करंट आ रहा, इसमें जो आपका इधर वाला स्विच है, इसमें करंट आ रहा मेरे दोस्त, पर क्या है कि स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपको ये जो रिले होता है इसका रेक्टिफायर, इसको ज़रूर आप चेक करें, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, हम आपको अब आगे से दिखाते हैं मेरे दोस्त, वहाँ से कैसा होता है, ठीक है। अब देखिए जो इसका ये वायर होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला होता है करंट का, ब्लैक कलर का, ठीक, और ये वाला वायर होता है फेस का, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो वायर होता है ब्लैक वाला, इसमें करंट आना चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ करंट आ रहा है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इस वायर वाले में जोड़ते हैं, देखिए चल गया, ठीक, इस तरीके आप समझ लिया, ठीक। कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्त, न्यूट्रल लाइट भी नहीं आती, ठीक है, तो अब यानी सेल्फ लेता नहीं, वहाँ से सब कुछ सही है, तो क्या है कि ये जो वायर होते हैं, इसमें एक अर्थ होता है, एक फेस होता है, चाहे तो आप इसको आपस में जोड़ सकते हैं, तब आपका सेल्फ ले सकता है, और नहीं तो क्या करना है, ये जो वायर है इसको आप अर्थ लगा दें, ठीक है, तो मेरे दोस्त ये आपका ले लेगा, ठीक, आपस में शॉर्ट करने पर भी आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन वो आपस में शॉर्ट करने पर ये आता है मेरे दोस्त,
इस तरीके से, देखिए मेरे दोस्त हमने इसको टूट रहा था तभी लेने का, ठीक। अब आपको दिखाते हैं आपस में जब शॉर्ट करेंगे तब इसको सिर्फ अर्थ चाहिए, ठीक। अब आप समझ गए होंगे एक वायर को अर्थ चाहिए, एक वायर को फेस। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम, आप जब सेल्फ ना ले तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। दोस्तों चाहेंगे वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।